ओके तो प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहला कौन सा नाम है प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सिंपल इतना समझ लो कि पहली बात क्या है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो दिया हुआ है तुम्हारी किताब में वो जस्ट बात करें 1973 में आया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था और इसमें देखो इन जनरल तो हमको पता ही है प्रोजेक्ट टाइगर नाम है तो ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ टाइगर होगा उसका मीनिंग बट कभी कभी तुमको दो तीन ऑप्शन देगा तो उसमें तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन मानना है तो उसमें ध्यान दोगे तुम एम देखोगे तो एम में दो चीज है एक तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर जो कि नेचुरली आ जाएगा उसके लिए तुमको अंडरलाइन हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है बट जो चीज नेचुरली नहीं आएगा हार्मोनाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन एंड अराउंड टाइगर रिजर्व ठीक है ये भी एम है नहीं यार हार्मोनाइजिंग मतलब कि सिंफनी में रहना एक साथ रहना अच्छे से दोनों मिलजुल के रहना उस टाइप का चीज ठीक है अच्छा तो फिर एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है कि टाइगर को तुम प्रिजर्व क्यों कर रहे हो तो एक तो है कि सिर्फ हमको एनवायरमेंटल बायोडायवर्सिटी बचाने के बट इसका ऑब्जेक्टिव अगर तुम देखोगे तो इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ इंडिया किस पर्पज से बचा रहे हो साइंटिफिक स्टडी के पर्पज से बचा रहे हो इकोनॉमिक सेंस से बचा रहे हो एस्थेटिक सेंस से बचा रहे हो कल्चरल सेंस से और इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल वैल्यू तो नेचुरली आएगा बट अगेन यू आर कंजर्विंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर द साइंटिफिक पर्पज ऑल्सो इकोनॉमिक पर्पज ऑल्सो इकोनॉमिक पर्पज मतलब इको टूरिज्म वगैरह हो जाएगा एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑल्सो एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑल्सो ठीक है तो ये सारा मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जब इस तरह का प्रोजेक्ट पढ़ते हो ना तो जो नेचुरली आता है तुमको वो तो चलो आ जाएगा मतलब तो आंख बंद करके प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब एलिफेंट को कंजर्व करना है ठीक है बट जो नेचुरली नहीं आएगा उन चीजों पे खास करके ध्यान देना है और एक बार ध्यान देके पढ़ लोगे तो फिर हो जाएगा ठीक है ना तो उस एस्पेक्ट को ध्यान दो पहली बात क्या है ये क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दूसरी बात क्या है इसमें इसका एम जो है ट्राइबल को कंजर्व करने के साथ साथ क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन जो उस एरिया में रह रहे हैं उसके हार्मनी या उसका भी डेवलपमेंट और उसको भी इंटीग्रेटेड करके चलना है तो ये बात ध्यान में रखना है कल्चरल सेंस और ट्राइबल के सेंस में दिया है हाँ कल्चरल ट्राइबल के सेंस में दिया है ठीक है अच्छा एक और चीज अब आता है कि टाइगर रिजर्व घोषित कैसे हो तो टाइगर रिजर्व घोषित कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगा बट कैसे करेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे करेगा दिया हुआ ना द स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोटिफाई एन एरिया एज ए टाइगर रिजर्व फिर क्या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कौन से एक्ट से आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आएगा ठीक है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो इसका काम क्या होगा रेकमेंड करना टाइगर रिजर्व के लिए और घोषित तो करेगा कौन स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टाइगर रिजर्व में क्या होगा एक कोर जोन होगा और एक बफर जोन होगा ठीक है लेकिन कोर जोन में भी ट्राइबल राइट्स को अफेक्ट नहीं करोगे जैसे दिया हुआ है ना सेकेंड पैराग्राफ में दीज एरियाज आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायलेट फॉर द पर्पज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन कॉमा विदाउट अफेक्टिंग द राइट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब और सच अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स तुम यही हार्मोनाइजेशन वाली जो बात कर रहे हैं तो यही है क्योंकि तुम ट्राइबल के रिजर्व घोषित करने के बाद ये नहीं क्या होगा ट्राइबल को खाली करो ठीक है उसके राइट्स को अफेक्ट नहीं करोगे ये कहने का मतलब है ठीक है अच्छा नेशनल पार्क अमन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर तुमको चेंज करना है अल्टर करना है उसका बाउंड्री तो कैसे होगा बाउंड्री अल्टर क्या प्रोसेस है नेशनल पार्क तो हाईली प्रोटेक्टेड है सर नहीं नहीं हाईली प्रोटेक्टेड मेरा सवाल वो है ही नहीं मेरा सवाल ये है कि अगर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर तुमको अल्टर करना है उसका एरिया बढ़ाना है उसका एरिया घटाना है कैसे होगा किसके परमिशन से होगा अच्छा वो स्टेट का परमिशन ज्यादा नहीं किसका परमिशन चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चाहिए
नेशनल बोर्ड को फॉर वाइल्ड लाइफ का चाहिए, कल पता है ना? ओके यहां पर टाइगर रिजर्व के केस में, ठीक है, टाइगर रिजर्व के केस में अगर तुमको बाउंड्री अल्टर करना है या उसको डी नोटिफाई, कल तक टाइगर रिजर्व था अब तुमको उसको कहना है कि टाइगर रिजर्व नहीं रहेगा, तो उस केस में अल्टर करने के लिए तुमको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दोनों का रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है? तो टाइगर आ गया तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हर जगह घुसा रहेगा, ठीक है? देखो दिया हुआ है ना, नो अल्टरेशन इन द बाउंड्री, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है डी नोटिफिकेशन ऑफ ए टाइगर रिजर्व, अब फिर क्या लिखा हुआ है, दोनों में परमिशन शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन ए रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, लिखा हुआ है ना? यस सर, ठीक है, ओके। बाकी जो भी हाईलाइटेड पार्ट होगा उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है? तो अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पे। तो ऑलरेडी हम लोग क्या बात कर चुके हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो होता है वही इसका हेड होता है। और इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? एमपी, ट्राइबल्स, एक्सपर्ट, ठीक है, मतलब डाइवर्स है। नेशनल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का भी डाइवर्स था, याद आ रहा होगा? उसका हेड कौन था? पीएम था। वाइस हेड कौन था? मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और डाइवर्स बैकग्राउंड है ये, ठीक है? क्या क्या करता है? अप्रूव्स द टाइगर कंजर्वेशन प्लान, टाइगर से रिलेटेड जो भी चीज है, क्या रेगुलेशन होगा इको टूरिज्म का टाइगर रिजर्व में, ठीक है, सब कुछ वही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखते हैं, ठीक है? वो पढ़ लोगे, ठीक है, इसमें कुछ भी मैं ज्यादा नहीं जा रहा। फिर क्या है, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन, टाइगर सेंसस जो होता है वो भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है, ठीक है? एस्टिमेशन ऑफ सेंसस भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है, दिया भाई वो सारा हाईलाइटेड भी है, फोटो खींच के भेज देना, ठीक है? ओके नेक्स्ट आते हैं, टाइगर का सेंसस करने का तरीका कैसे है? तो टाइगर तो ऐसा नहीं कि तुम कियोस्क खोल के बैठ जाओगे, टाइगर आएगा बताएगा हम हैं, फिर जाएगा हम हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका क्या होता है कि पग मार्क करते हैं इनिशियल, शुरुआत में क्या करते हैं, पग मार्क। हर एक टाइगर का पंजा का छाप जो होता है अलग होता है, उसको पग मार्क बोलते हैं। और पंजा के छाप के हिसाब से तुम इवन जेंडर जान सकते हो, एज जान सकते हो, ठीक है? तो उस टाइप का है, तो पग मार्क से करते थे। बट अगेन क्या है, पग मार्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार एक्यूरेट नहीं मिलता है। फिर इन्होंने क्या किया, नया तरीका इन्होंने कैमरा ट्रैपिंग शुरू किया। कैमरा ट्रैपिंग में क्या होता है, सिंपली कैमरा जो है ना, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन आएगा जानवर का, या जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है टाइगर का, मतलब पानी पीने वाला जगह हो गया, जहां पे हिरन उरन ज्यादा हो गया, जहां शिकार करने आ सकता है, वहां पे क्या करता है, कैमरा फिट कर देते हैं। और वो क्या करता है, कैमरा फोटो लेते रहता है, तो जैसे कोई टाइगर जाएगा उसका फोटो आ जाएगा, ठीक है? और टाइगर का क्या होता है, हर टाइगर का जैसे हमारा फिंगरप्रिंट वैसे उसका स्ट्राइप्स अलग अलग होता है, तो स्ट्राइप्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टाइगर है, और उसके बेसिस पे काउंट करते हैं। बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट अगेन इट गिव्स यू एन रफ एस्टिमेट टाइप से, ओवरऑल ट्रेंड तो पता चल ही जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है? तो अभी जो है मॉडर्न तरीका क्या क्या है, कैमरा ट्रैपिंग, या कहीं कहीं लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी करते हैं, ठीक है? तो ये सारा दिया हुआ है। तो इंडिया में जो टाइगर सेंसस होता है तो कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है अलोंग विथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है? ये जो है उनको देहरादून में इसका ऑफिस है, ये बहुत जगह आएगा, ठीक है, दो तीन जगह आएगा। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है, टाइगर सेंसस करवाता है, ओके? चलो ठीक है, बाकी तो सब कुछ है तो वो देख लो। फिर दिया हुआ है टाइगर रेंज कंट्रीज, कहां कहां टाइगर पाया जाता है, तो वो सारा दिया, वो सब देख लोगे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रोजेक्ट,
एलिफेंट. इन्वायरमेंट वाले चैप्टर किताब जो है ना, एक बार जब मार्किंग वही सब हो जाएगा तो दो बार और पढ़ लेना, ठीक है ना. फास्ट रीड वही है, देखोगे तो याद रहेगा, जितना याद रहेगा उतने से काम चल जाएगा, ठीक है, बट दो बार देख लेना. अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट. प्रोजेक्ट एलिफेंट में सुन के तुमको लगता होगा कि ठीक है, वाइल्ड लाइफ में जितना भी एलिफेंट है उस पर ध्यान देते हैं, बट इसमें ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट ऑल्सो कवर्स डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट. वो जो मंदिर उंदिर में रखता है तो उनको भी कवर करता है, इस बात को ध्यान देना है. प्रोजेक्ट एलिफेंट केवल जो है वाइल्ड वाला एलिफेंट को कवर नहीं करता है, बल्कि डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट को भी कवर करता है, ठीक है. अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मेनली 13 स्टेट्स जहां के एलिफेंट पाया जाता है वाइल्ड में वहां काम करता है, बट अदर स्टेट्स में भी थोड़ा थोड़ा काम करता है, ठीक है. तो एलिफेंट का क्या क्या प्रोटेक्ट करोगे, तो जंगल वंगल प्रोटेक्ट करोगे, बट एलिफेंट के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है ना, कि एलिफेंट का कॉरिडोर्स, एलिफेंट क्या होता है, माइग्रेट करता रहता है, घूमता टहलता रहता है, ठीक है. और उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, कॉरिडोर्स मतलब वो रास्ता है जहां से कि एलिफेंट अक्सर जाता है, ठीक है. और लोग कई बार क्या करते हैं, इंक्रोच कर देते हैं, वहां पे घर वर बना दिया, तो फिर क्या हो गया, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. तो ये सारा इश्यू है. तुम रिसेंटली न्यूज में बहुत सारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी का बॉर्डर मतलब दीवार वाला आ रहा था, अगर तुमको याद होगा, वेस्ट बंगाल में बहुत होता है, ट्रैक्स भी आए थे सर, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स पर मरते रहता है. फिर कहीं कहीं आई थिंक मैंने देखा था कील व्हील का लंबा आर्मी वाला कील लगाया हुआ है आसाम में, आसाम में लगाया हुआ है, ठीक है. तो वो सारा इश्यूज है, ठीक है. तो कहने का ये मतलब है कि तुम देख लेना. तो इसका काम क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट में हैबिटेट जहां रह रहा है हाथी, कॉरिडोर यानी जहां से ट्रेवल कर रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उस पर भी ध्यान देता है, और डोमेस्टिकेटेड एलिमेंट्स एलिफेंट्स का वेलफेयर, वेटनरी केयर, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है. ये सारा तुमको दिया हुआ है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना, वेटनरी केयर, ये सारा दिया हुआ है. ये हो गया तुमको कौन सा प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एलिफेंट. उसके बाद एक प्रोग्राम नेक्स्ट दिया हुआ है माइक. माइक है तुमको अंडर साइड्स. साइड्स क्या है, ट्रेड का है, ठीक है ना. क्रिटिकली क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज का कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसे फुल फॉर्म है, ठीक है. तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज का ट्रेड रोकने का मतलब वो है साइज जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. तो माइक उसका प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट. तो बस याद रखना है कि माइक जो है एलिफेंट का है और साइज से रिलेटेड है, ठीक है. इतना याद हो जाएगा. नेक्स्ट है तुमको हाथी मेरे साथी. हाथी मेरे साथी इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड WTI जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आ जाओ वल्चर पे. सर इसको कैसे काउंट करते हैं, एलिफेंट को भी कितना उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं था, उसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, ठीक है. वो बहुत ज्यादा है तो उतना टेंशन नहीं लेते हैं, काउंटिंग कर लेता होगा, बड़ा बड़ा है. हाँ अच्छा चलो, नेक्स्ट आते हैं वल्चर पे. वल्चर ऐसे तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, बट वो तुमको पता होना चाहिए, तुमको लगेगा कि वल्चर का क्या क्या टेंशन ले रहे हैं, बट गिद्ध जिसको बोलते हैं हम लोग, बट गिद्ध क्या करता है बेसिकली, एक डेड बॉडी सबको करता है. पारसी लोगों में क्या होता है, एक ट्रेडिशन होता है, पारसी लोग मरने के बाद जलाते नहीं है, क्या होता है, टावर ऑफ साइलेंस होता है, ठीक है. वहां पर क्या करते हैं, टावर पे मरने के बाद जो है वो लोग बॉडी को ऐसे छोड़ देते हैं ताकि गिद्ध जानवर सब खा सके, ठीक है. ये पारसी लोगों का मतलब क्रीमेशन का तरीका है, ठीक है. तो वही क्या, हर चीज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए. तो स्कैवेंजर है और इसका पॉपुलेशन रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया, ठीक है. तो कारण पता लगाएगा तो पता लगाएगा, इसमें एक दवाई है डिक्लोफेनाक, ठीक है, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है. एक दवाई क्या है, डिक्लोफेनाक. ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी. एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जहां पे जानवर भूल जाता है, हाँ, सूजन दर्द इस सब के लिए यूज होता है, ठीक है. तो जानवर में जैसे तुम गाय बकरी बैल इस सब में क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग,
बट वो दवाई क्या है जानवर के लिए तो ठीक है, बट जब जानवर मर जाता है तो वो दवाई क्या होता है परसिस्ट करता है बॉडी में, और उस जब मीट को गिद खाता है तो उसका रीनल फेल्योर हो जाता है, यानी उसका किडनी फेल कर जाता है, और उसके कारण जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं नेक ड्रॉपिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है गिद्ध क्या होता है मर जाता है। तो इसीलिए डिक्लोफेनेक को इंडिया ने बैन कर रखा है, ठीक है, डिक्लोफेनेक को इंडिया ने बैन कर रखा है, उसकी जगह मेलोक्सिकैम जो है वो दवाई आजकल पॉपुलराइज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया में जो दो चार वैरायटी हैं उसमें देख लो, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्या है तुम्हारे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इजिप्शियन वल्चर एंड व्हाइट बैक वल्चर का भी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो रहा है। तो डिक्लोफेनेक से मेनली असर पड़ा था व्हाइट बैक वल्चर को, स्लेंडर बिल्ड वल्चर को एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर को, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में गिद्ध लोग भी आते हैं, कौन सा, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर, ठीक है, yes, ओके तो ये नेक ड्रॉपिंग का समस्या हो गया। अब क्या है, अब इसके कारण क्या है कि अब अवेयरनेस जब फैला तो वल्चर के लिए वल्चर सेफ्टी जोन बनाया जाने लगा। तो वल्चर सेफ्टी जोन का क्या पर्पज था कि मालूम चल, तुमको पता चला कि इस एरिया में वल्चर ज्यादा पाया जाता है, तो तुम क्या करोगे कि उस एरिया के आसपास, गिद्ध कहां, आसपास के एरिया में खाने जाएगा, तो 150 किलोमीटर के रेडियस में तुम क्या करोगे, डिक्लोफेनेक इंश्योर करोगे कि नहीं बिके, ठीक है, एकदम कंप्लीटली मीट जो है फ्री हो इन सब चीजों से, तो उसको बोलते हैं वल्चर, क्या बोलते हैं, वल्चर सेफ्टी जोन। गोल क्या है कि तुमको मीट जो है डेड बॉडीज में डिक्लोफेनेक नहीं हो, वल्चर सेफ्टी जोन 150 किलोमीटर के रेडियस में। और वल्चर सेफ्टी जोन में कहां कहां है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है और छत्तीसगढ़, मतलब टारगेट करके जहां जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वल्चर का, वो सारा जगह है उत्तराखंड, यूपी, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। ये तो हो गया कि एक तरीके से इंश्योर करना। कुछ स्टेट्स ने, खास करके पंजाब और महाराष्ट्र ने आगे बढ़ के वल्चर रेस्टोरेंट टाइप का इनिशिएटिव लिया। वल्चर रेस्टोरेंट में क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, पता चलता है जहां पे पॉपुलेशन है वहां पे खास करके क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो डेड बॉडीज है, जो डिक्लोफेनेक है, वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए वल्चर को। तो अगर तुम्हारा जानवर मरा है तो तुम जाओगे स्टेट डिपार्टमेंट के पास, बताओगे कि मेरा जानवर मर गया है और इसमें कोई डिक्लोफेनेक नहीं है, और टेस्ट करेगा, कंफर्म करेगा, फिर उसका पैसा भी देगा तुमको, क्या कैसा उस बॉडी का, ठीक है, और वो अवेलेबल वो करा देगा वल्चर को। तो वल्चर के लिए रेस्टोरेंट हो गया, तो वल्चर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है। ये कहां पर है, पंजाब और महाराष्ट्र में, ठीक है, वल्चर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलो ठीक है। फिर क्या है, वल्चर का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो वल्चर का ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर हरियाणा में खोला गया, और ये किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और बीएनएचएस के सहायता से, साली नदी वाला बीएनएचएस, कौन सा, नहीं वो कोई आइडिया नहीं, क्या बोल रहा, साली नदी वाला बीएनएचएस, सलीम अली वाला, हाँ सलीम अली वाला बैट के लिए है ना, ये वल्चर के लिए, मतलब ये बीएनएचएस, हाँ ठीक है, नंबर वन, नहीं 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 बीएनएचएस हो गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हाँ इंडिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है, कंजर्वेशन का है, ठीक है। तो बीएनएचएस, डब्ल्यू आई आई, ठीक है, ये दोनों भी देखोगे। तो बीएनएचएस क्या है, बॉम्बे, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी है या हेरिटेज सोसाइटी है, हिस्ट्री से कुछ देख लेना,
ठीक है, बट बीएनएचएस जो है इम्पोर्टेंट है इंडिया का इन्वायरमेंटल ग्रुप में। ओके चलो ठीक है, इतना हो गया। माइक किसका प्रोग्राम था? एलिफेंट का साइज का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सेव करके है, सेविंग एशियन वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये कुछ नहीं, ये वल्चर का है, ठीक है। नेक्स्ट है वन हॉर्न राइनो। तो राइनो इंडिया में आसाम के एरिया में पाया जाता है। तो वन अच्छा इंडियन राइनो विजन का पर्पस क्या है कि आसाम में जो राइनो का पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया भी जाए और साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अलग अलग जगह। तो जैसे कि आसाम में काजीरंगा में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पोलिट घोरा है वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इन लोगों का गोल क्या है कि 2020 तक 7 और प्रोटेक्टेड एरिया में शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मानस वगैरह में इंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम है, आई थिंक वो सब इंट्रोड्यूस हो भी गए हैं, ठीक है। तो गोल क्या है वन हॉर्न सॉरी राइनो विजन का? राइनो विजन का गोल है कि राइनो का पॉपुलेशन क्या करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना और उसको अलग अलग एरिया में फैलाना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन लोग हैं? आसाम गवर्नमेंट है, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल है एंड WWF इंडिया है, और फिर है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है। ये तुमको कौन सा हो गया? राइनो का कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इंडिया में हिमालयन रेंज में पाया जाता है, 3000 मीटर से ऊपर पाया जाता है। तो 3000 से मीटर हिमालय कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में। तो इन जगहों पर इन्हीं राज्य में स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलता है। और गोल इसमें क्या है कि पूरा का पूरा एरिया जहां पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है इररिस्पेक्टिव कि उसका ओनरशिप क्या है, तुम्हारा है किसी और का है, सारा एरिया इज कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनरशिप द होल एरिया इज कवर्ड अंडर स्नो लेपर्ड। सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड चाइना में पाया जाता है, फिर मंगोलिया में और तीसरा नंबर है इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें लोकल कम्युनिटी को भी इंगेज करते हैं और इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप सारा एरिया जहां पर कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है उन सबको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सी टर्टल प्रोजेक्ट। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सी टर्टल का ब्रीडिंग साइट्स, उनका माइग्रेशन पैटर्न, इन सब को इंश्योर करना, और ये होता है UNDP और WII के साथ, ठीक है। UNDP एंड WII के साथ होता है, लोगों को अवेयर करना, माइग्रेशन पैटर्न देखना, इन्वेंट्री ट्रैक करना कि कितने आ रहे हैं, ये सारा काम करता है सी टर्टल प्रोजेक्ट, UNDP एंड WII। नेक्स्ट है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। कंजर्वेशन के लिए क्रोकोडाइल को प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसमें क्या है कि सेंचुरी क्रिएट करके ग्रो करके रिलीज करना। चंबल सेंचुरी वाला तो याद हो आ रहा होगा, घड़ियाल के लिए जो बताए थे, याद है? चंबल सेंचुरी वाला घड़ियाल के लिए बताए थे, राइट। तो मतलब ये कैप्टिविटी में ग्रो करो फिर रिलीज कर दो, ठीक है। तो ये जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है इसमें घड़ियाल, मगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबका कैप्टिव ब्रीडिंग करा के फिर उसको छोड़ देते हैं पानी में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, धाचीगांव जम्मू कश्मीर, ठीक है, वो सारे बात कर चुके हैं। ये IUCN जम्मू कश्मीर एंड WWF का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, IUCN WWF एंड जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है, सारा तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, पता चल गया कि कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, उसका विजन वीक होता है बट कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है और सब कुछ खाता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काउंटिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है WWF इंडिया एंड उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया अडॉप्ट्स सावेन। सावेन क्या है? साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क।
ठीक है, साउथ एशिया का वाइल्ड लाइफ का इंफॉर्मेशन सेविंग करना ताकि लीगल ट्रेड नहीं हो सके और ये सारा ट्रैक करना, उसके लिए सावन है। ठीक है, तो इंडिया हैड अडॉप्टेड द स्टैट्यूट ऑफ साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क सावन। उसके मेंबर कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो वाइल्ड लाइफ के लिए है ये। ठीक है, तो मतलब ट्रैफिकिंग नहीं हो सके, हंटिंग नहीं हो सके, ये सब के लिए है। इलीगल ट्रेड नहीं हो सके, इन सब के लिए वो क्राइम टाइप का, क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क टाइप का। इसके बाद नेक्स्ट पेज में तुम लोग चाहो देख सकते हो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है ये पहले लिखो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिजर्व रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री के अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, वाटर वाले के अंदर है शॉर्ट में। ठीक है, वाटर वाले मिनिस्ट्री एंड गंगा रिजुविनेशन वाले के अंदर है। किस एक्ट के अंतर्गत बना है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत नहीं बना है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि गंगा को के लिए बना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं है, ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करे हो गंगा का। चेयर कौन है? पीएम है। बाकी के मेंबर्स कौन है? तो सीएम ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच गंगा फ्लोज। तो कौन होगा शुरुआत से बताओ शुभम, जहां से निकलता है, कहां से निकलता है, कौन से राज्य से गंगा कहां से निकलता है यार? उत्तराखंड, नेक्स्ट यूपी, फिर बिहार, झारखंड, झारखंड भी है थोड़ा सा, और वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल, बस इतना है। साहेबगंज, तो सीएम ऑफ स्टेट उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके अलावे इस अथॉरिटी में बाकी के रिलेटेड लोग भी हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मतलब सबको डालते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड है इटीसी। इसमें एनजीओ के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, मतलब इसका भी वाइडर कवरेज है, बट अगेन कौन कौन से सीएम है और पीएम चेयर है ये मत भूलना। और किस एक्ट के अंतर्गत है कुंद कोर्डिनेश? इसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। सर अभी एक राजमा वाला एग्रीमेंट हुआ है 2019 में, उसमें इंडिया, मलेशिया, भूटान, इंडोनेशिया और नेपाल, तो ये लोग मतलब क्राइम जो होता है ना वाइल्ड लाइफ क्राइम, उसी के बारे में डाटा शेयर करेंगे। इधर अभी इंडियन राइनो विजन करके कुछ, अच्छा उसके ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए। हाँ ठीक है,